फ्रेंड्स, आज जो प्रैक्टिसेस मैं आपको बताने वाली हूँ, ये प्रैक्टिसेस हर उम्र की महिला को ज़रूर करना चाहिए और इन प्रैक्टिसेस को आप किसी भी वक्त कर सकते हो। तो आप सुबह सुबह सो के उठने के तुरंत बाद कर सकते हो, या फिर आप रात को सोने से पहले कर सकते हो, या दिन में किसी भी वक्त जब आपको टाइम मिले तब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे तो आप इन प्रैक्टिस को चाहे तो बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट होगा कि आप मैट पे बैठ के करो। अगर आपके हेल्थ कंडीशंस आपको अलाउ नहीं करते हैं नीचे बैठना, तो फिर आप कुर्सी पे बैठ के, सोफ़ा पे बैठ के, बेड पे बैठ के, कहीं पे भी बैठ के आप इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हो। एक राउंड मेरे साथ साथ में अभी इसी वक्त ज़रूर करना, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि ये आसान से दिखने वाली प्रैक्टिसेस कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पर आते रहती हैं। सबसे पहले इस तरीके से सीधे बैठ जाएंगे। अगर आप बेड पे या तो मैट पे बैठ के या सोफा पे बैठ के कर रहे हो, तो अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। पैरों की दोनों एड़ियां आपकी इस तरह से नीचे होनी चाहिए, ऐसे, है ना। ऐसे हम लोग नॉर्मली इस तरीके से बैठते हैं, तो ये आपको नहीं बैठना। इनको खोलिए इस तरह से और ऐसे बैठिए। अब क्या करना है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है अपने पैर के अंगूठे से। ठीक है, यहाँ से आपको इस तरह से ऐसे टैप करना है अपने पूरी बॉडी पे। इस तरीके से टैप करते हुए आएंगे, फिर दूसरे पैर पे इस तरह से मेरे साथ में करते जाइए। इस तरह से टैप कीजिए अपने पैरों को 2-3 बार। इस तरह से अपने पैरों को पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से पूरा टैप कीजिए। अब धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे यहाँ पे टैप कीजिए, टैप 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 टैप, इस तरह से पूरा यहाँ अपनी गर्दन के चारों तरफ, अपनी चेस्ट पे, इस तरह से अपने पेट पे, इस तरह से सब जगह पे आपको इस तरीके से टैपिंग करनी है। पीछे कमर पे, जहाँ जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वहाँ वहाँ पे इस तरीके से आप टैप करते जाइए, अपने कंधों के ऊपर, कंधों के पीछे, इस तरह से। ये क्यों करवा रही हूँ बताऊँगी अभी। इस तरह से अपने पूरे हाथों पे टैप 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 टैप, दूसरे पे इस तरह से टैप करते जाइए, अपनी गर्दन के पीछे, कानों पे, अपने सर पे, इस तरह से ऐसे टैप कीजिए, पूरे सर पे टैप कीजिए इस तरह से। ये अपने फेस पे टैप कीजिए, अपनी आँखों पे हल्का हल्का, गालों पे, नाक पे, इस तरह से टैप कीजिए। जब आप इस तरीके से पूरे शरीर पे टैप करते हो ना, तो आपके शरीर में इंस्टेंट ब्लड का फ्लो बढ़ता है। अक्सर जब हम लोग सुबह सुबह सो के उठते हैं या शाम को हम रेस्ट करके उठते हैं, तो हमारा पूरा शरीर बहुत स्टिफ सा हुआ रहता है, बहुत आलस आता है। इस आलस को भगाने के लिए कई महिलाओं को शिकायत होती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमसे उठा ही नहीं जाता, पूरी बॉडी में बहुत पेन होता रहता है। तो अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो ये प्रैक्टिस आप तुरंत कीजिए उठते के साथ ही। जिन जॉइंट्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको घुटने में बहुत दर्द होता है, या लोअर बैक में बहुत दर्द होता है, या कई लोगों को कंधों में बहुत अकड़न होती है, तो जहाँ पे भी आपको दर्द होता है वहाँ पे इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से टैप कीजिए। ठीक है, एक जगह पे कम से कम 10-20 बार एक बार में टैप कीजिए, फिर दूसरी जगह वापस। ठीक है, इस तरीके से आपको टैपिंग करनी है। आप देखोगे इंस्टेंट आप एनर्जी फील करते हो। अगर आप फेस पे इस तरीके से टैपिंग करते हो, तो ये आपके फेस में भी ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है और आपके फेस को नेचुरल ग्लो देता है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, कम से कम 5 मिनट तक इस तरीके से आपको टैप करना है। दूसरे प्रैक्टिस के लिए, जैसे आप बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, सीधे बैठे बैठे अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और धीरे धीरे करके हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ध्यान रखना कि एकदम से आपको स्ट्रेच नहीं करना है, हल्का हल्का करके धीरे धीरे हाथों को पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे। कंफर्टेबल हैं तो सर को ऊपर लेके जाइए, ऊपर देखिए, और बस यहाँ पे हमें 10 काउंट के लिए ब्रीथ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से नीचे आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस करने से आपके सारे जोड़, स्पेशली आपकी लोअर बैक, आपके कंधे, आपका कोर, सबकी बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है। ये भी आपके बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करती है, जिससे आपके जो छोटे मोटे क्रैम्प्स और पेन हैं वो तो तुरंत दूर हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये आपको करना है। अभी हमने 10 काउंट के लिए एक बार होल्ड किया है, इसी तरीके से आपको ये प्रैक्टिस 5 बार करनी है। स्पेशली वो महिलाएं जिनको कमर में दर्द है और अपना पेट कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रैक्टिस है। ये आपको डेली बेसिस पे करनी है। एक दिक्कत जो महिलाओं के साथ ज़्यादातर आती है, वो आती है उनके पैरों में बहुत दर्द होता है। किसी को घुटनों में दर्द होता है, किसी को नीचे बहुत यहाँ पे दर्द होता है, और किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आपकी लोअर बॉडी में आपको दर्द रहता है तो क्या करना है, इस तरह से दोनों पैरों को आगे रखिए, हाथ को पीछे रखिए, ऐसे बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। पहले अपने पैरों को पूरा बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, और फिर पूरा अंदर, पूरा बाहर पूरा अंदर, मेरे साथ साथ में कीजिए। जब आप अंदर स्ट्रेच करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त खिंचाव महसूस होगा। जब आप बाहर की तरफ पुल करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत खिंचाव महसूस होगा। इन स्ट्रेच को फील कीजिए, ये आपकी मसल्स को एक्टिव करते हैं, आपके नर्व्स को एक्टिव करते हैं, ब्लड के फ्लो को बढ़ाते हैं। और जो एक जर्क आ जाता है ना बॉडी में, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पूरा दिन पड़े हुए हैं, या कोई बीमारी या परेशानी ऐसी है जिसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो जर्क आ गया बॉडी में, उस जर्क को खोलने का काम करता है। तो इस तरह से पैर को पूरा बाहर करिए और पूरा अंदर, इस तरह से इंस्टेंट करते करते आपको इसका फ़ायदा दिखाई देगा। पूरा इस तरह से अंदर बाहर, अंदर बाहर, ये 10 बार आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। 10 बार करने के बाद पैरों को इस तरह से हिलाइए, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस। हाथों को इस तरह से पीछे रखिए, अगर आप कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी पे बैठे बैठे भी आपको इसी तरीके से करना है। पैरों को आगे रख के पूरा अंदर बाहर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। अगली प्रैक्टिस में अपने पैर को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, जितना आप आराम से उठा सकते हो उतना उठा सकते हो, इतना ही उठ रहा है तो कोई बात नहीं, जितना आराम से उठ रहा है उतना उठाइए। और बस यहाँ पे 10 काउंट के लिए होल्ड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से नीचे रख दीजिए, दूसरे पैर को उठाइए, 1, पैर का अंगूठा बाहर की तरफ खींच के रखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से ये प्रैक्टिस देखने में आपको जितनी सिंपल लग रही है आपके घुटनों के लिए उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को ऑलरेडी घुटने में दर्द है या घुटने से बहुत ज़्यादा चट चट की आवाज़ आती है चलते फिरते, या हमेशा ऐसे लगता है जैसे कोई वजन आने वाला है घुटने पे, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर आपको आपके घुटने में महसूस होती है, तो ये प्रैक्टिस आपको विदाउट फेल डेली करना चाहिए और दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए, ठीक है। अभी हमने 10-10 बार दोनों पैरों से एक बार किया है, इसी तरीके से प्रैक्टिस आपको 4 से 5 बार करनी है, यानी 10-10 के आपको 4-5 रेपिटेशंस लगाने हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो आपको करनी है, उसके लिए आराम से इस तरह से लेट जाइए, ऐसे दोनों पैरों को धीरे से ऊपर उठाएंगे यहाँ पे इस तरह से पकड़ के, बस 10 काउंट के लिए इस तरह से रखिए। अगर आपके पैर सीधे नहीं हो रहे कोई बात नहीं, फोल्ड करके रखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से अब बस अपने 10 काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस दोनों पैरों को नीचे ले आइए। पूरा दिन चलने फिरने की वजह से अगर आपके पैरों में दर्द होता है तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। इस प्रैक्टिस को आप दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हो, दोनों पैरों को ऊपर दीवार पे लगा के और फिर आप होल्ड कीजिए। 10 काउंट के लिए भी मैंने किया है, इसी तरीके से आपको ये 50-50 काउंट करके 3 बार करना है, या फिर सोने से पहले 15 मिनट तक आपको अपने पैरों को इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है। आप देखोगे आपके जो पैरों में दर्द की शिकायत है, या जैसे कई महिलाओं को ना पैरों में सूजन बहुत हो जाती है अननोन रीज़न की वजह से, यानी पता भी नहीं होता है क्यों हो रही है, लेकिन बस पैरों में हल्की स्वेलिंग है या भारीपन है, उनको भी ये प्रैक्टिस करने से काफ़ी आराम मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, एक तो हमारा वजन ज़्यादा है, ऊपर से हमारा पूरा दिन खड़े रहने का या चलने का काम है, तो उससे क्या होता है, पूरा जो हमारे शरीर का भार है, वजन है, वो हमारे पैरों की तरफ रहता है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है। क्योंकि टाइम के साथ साथ वजन तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी मसल्स कमज़ोर हो रही हैं पैरों की। मसल्स कमज़ोर होंगी तो ऑब्वियसली उनमें दर्द भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अब उनके जो आपका वजन है उसको सहने की क्षमता ज़्यादा नहीं रही है। तो इसीलिए पहले तो अपने वजन को कम करो, साथ में ये प्रैक्टिसेस करो, आपके पैरों का दर्द बिना किसी दवाई दारू के अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। वेट लॉस करना चाहते हो और कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो डाइट प्लान आप ले सकते हो मेरे से। अगर आप पर्सनल डाइट प्लान लेना चाहते हो तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज भेजिए, उसके बाद आप अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए दोनों पैरों को इस तरीके से ज्वाइन कीजिए, ऐसे
ठीक है, और जितना हो सके उतना क्लोज लेके आइए, अपनी जांघों से लगाने की कोशिश कीजिए अपनी एड़ी को, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और ऐसे अपने पैरों के नीचे रखेंगे, कमर को सीधा करेंगे और हम करेंगे बटरफ्लाई। आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपके घुटनों को, आपकी जांघों को स्ट्रांग करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से कम 50 बार ये बटरफ्लाई करना है। सो ये प्रैक्टिस हो गई। सो फ्रेंड्स, ये सारी प्रैक्टिसेस आपको ज़रूर से करनी है। अगर आपने मेरे साथ में प्रैक्टिस की है तो आप देखोगे इंस्टेंट आपको काफ़ी रिलीफ लग रहा होगा अपने पूरे शरीर में। खासकर जिन महिलाओं को पैरों में दर्द की शिकायत रहती है, कमर दर्द की शिकायत रहती है, उनको तो 100% ये प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हो, उस तरीके की और एक्सरसाइज देखना चाहते हो जो कि आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाए या आपकी जो छोटे छोटे दिक्कतें होती हैं, छोटे छोटे क्रैम्प्स होते हैं, उसमें आपको आराम कराए, तो कॉमेंट सेक्शन में पार्ट टू लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली इसका पार्ट टू लेके आऊँगी जिससे कि आपकी और ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।